मॉर्निंग के स्टूडेंट बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। ये आपका हिंदी का पीरियड है, चलिए हिंदी पढ़िए। हिंदी में हमें पढ़ना है बच्चों, हमें रिवीजन करना है स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर और अतिरिक्त वर्ण। अभी तक हमने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, तो इसका हमें अच्छे से रिवीजन करना है। चलिए देखिए, स्वर क्या होते हैं? अ से अहंकार, छोटा बड़ा, छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊंट, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर, अहा माने खाली, कुछ नहीं। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे, का खा गा व्यंजन। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं, छ, त्रं, ज्ञ और श्र। छ, त्रं, ज्ञ और श्र संयुक्त अक्षर बच्चों कितने होते हैं? चार होते हैं, छ, त्रं, ज्ञ और श्र। अतिरिक्त वर्ण, अतिरिक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? र और दो होते हैं, ड और ढ। अतिरिक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, ड और ढ। तो हमने आज रिवीजन किया है स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर, अतिरिक्त वर्ण। स्वर क्या होता है बच्चों? अ से अह तक स्वर होता है, अ से अह तक आपका स्वर हुआ, और क से ज्ञ तक आपका व्यंजन हुआ, और संयुक्त अक्षर आपके चार होते हैं, छ, त्रं, ज्ञ और श्र। अतिरिक्त वर्ण आपके दो होते हैं, र और ढ, र और ढ। तो इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा और बुक खोल करके पढ़िएगा, कॉपी में काम भी करिएगा, स्वर व्यंजन कॉपी में लिखिएगा। थैंक यू।